त्रयोदशी व्रत महत्तम। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उससे संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन स्त्रियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाश पति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 कौतान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान और तन मन धन से करते हैं उनके सभी दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार त्रयोदशी अर्थात शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष व्रत के समान ही है। इसमें श्वेत रंग और खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का विशेष महत्व है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को अपने घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस न हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उसने विवश होकर अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं की भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि उसका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधु और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को चले गए।